नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरोत्तम और आज की इस वीडियो में ये ख़राब एलईडी बल्ब को मैंने मोबाइल चार्जर से जला के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ख़राब एलईडी बल्ब ले रहा हूँ, ये हमारा सभीों के घर में मिल जाएगा। इसमें देखिए, इसका जो ऊपर का B22 कैप है इसको हमें प्लायर की द्वारा निकाल लेना है और इसके बाद इसका जो आगे का ढक्कन है दोस्तों इसको भी मैंने निकाल लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये जो एलईडी पैनल देख रहे हैं इसमें हमारा दो स्क्रू लगा हुआ होता है, तो इनको निकालने के बाद यहाँ पर दो वायर को सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से हटा लेना है और उसके बाद इसको निकाल लेना है। और अभी मैंने इसका पीछे की साइड में एक स्क्रू ड्राइवर को घुसा देता हूँ और इसको आगे की तरफ मैंने धक्का देता हूँ। तो इसी प्रकार से धक्का देने से ये जो हमारा एल्यूमिनियम प्लेट होता है दोस्तों ये हमारा आसानी से निकल जाएगा। और अभी मैंने इसका ऊपर का B22 कैप को भी निकाल देता हूँ और इसमें जो ड्राइवर सर्किट है ये हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने ये एल्यूमिनियम प्लेट को ले रहा हूँ, इसके ऊपर जो व्हाइट कलर का हमारा हीट सिंक पेस्ट लगा हुआ है इनको मैंने अच्छी तरीके से यहाँ से हटा के साफ़ कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चार एलईडी ले रहा हूँ और ये हर एक एलईडी हमारा 4 वोल्ट से ही चलेगा और यहाँ पर एक एलईडी हमारा 1 वाट का है और ये चारों एलईडी 4 वाट में हो जाएगा और ये एक एलईडी आपको 2 रुपये में मिलेगा और 4 एलईडी 8 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये चारों एलईडी को ये जो हमारा एल्यूमिनियम प्लेट है इसके ऊपर फेविक्विक के दौरान चिपका लेना है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो 4 एलईडी है ये हमारा पैरेलल में कनेक्शन होगा, यानी कि चारों एलईडी का प्लस एक साथ कनेक्शन होगा और चारों एलईडी का माइनस और एक साथ कनेक्शन होगा। देखिए ये एलईडी बल्ब का ऊपर का हिस्सा हमारा खुला हुआ है, तो इसको कवर करने के लिए मैंने एक पीवीसी पाइप का गोलाकार टुकड़ा को ले रहा हूँ और इसके बीच में मैंने एक होल किया हूँ। तो इसका साइज हमारा इस एलईडी बल्ब के हिसाब से है, आप लोग देख सकते हो। और इसके बीच में मैंने होल क्यों किया हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैंने एक मोबाइल चार्जर को लगाने के लिए सॉकेट ले रहा हूँ, ये आपको 5 रुपये में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। इसमें हमारा बड़ा वाला लेग प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है, तो इसको यहाँ पर इसके बीच में लगाने के लिए मैंने छेद किया था। तो अभी हम इसको कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से लग जाएगा और यहाँ पर ये जो दोनों पिन है इसको हमें ये दोनों वायर के साथ लगाना है। देखिए जो बड़ा वाला पिन है उसको हमें रेड कलर की वायर के साथ लगाना है कुछ इस प्रकार से, और जो छोटा वाला पिन है इसके साथ हमें ये ग्रे कलर की वायर को लगाना है कुछ इस प्रकार से। तो अभी ये दोनों वायर को एलईडी बल्ब के अंदर डाल देना है और ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है इसको कुछ इस प्रकार के एलईडी बल्ब के ऊपर रख के यहाँ पर फेविक्विक के दौरान चिपका लेना है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर फेविक्विक से चिपका लिया हूँ और ये हमारा अच्छे से फिक्स हो चुका है। अभी हमारा एलईडी बल्ब बनके तैयार हो चुका है, अब हम इसको मोबाइल चार्जर से जला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मोबाइल चार्जर को लगा रहा हूँ और देखिए कितना अच्छा तरीके से ये हमारा जल रहा है। और अभी मैंने यहाँ पर लाइट को बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ये हमारा लाइट दे रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोग ख़राब एलईडी बल्ब को मोबाइल चार्जर से जला सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।